कल यानी कि 15 मई 2018 को मैं ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे था। रेस 3 का ट्रेलर हम सबको दिखाया जाता है 3D ग्लासेस के साथ दोस्तों, और ट्रेलर देखकर दिल से बस एक आवाज़ निकलती है, वाओ, व्हाट अ माइंड बॉगलिंग ट्रेलर। अब आपको बता दूं, उस वक्त मेरे जहन में ये बात आ गई थी कि ये जो ट्रेलर है ये धमाका मचाने वाला है। मैंने आपको पहले ही बात बता दी थी, रेस्ट इन पीस यूट्यूब, रेस्ट इन पीस जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह सिर्फ और सिर्फ रेस 3 का जलवा होगा, और ये बात ट्रेलर ने प्रूव कर दी है। आपको बताऊं, सबसे पहले ट्रेलर SKF में रिलीज किया जाता है। SKF भाईजान सलमान खान की जो फिल्म्स हैं उनका ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट है दोस्तों, वहां पर रिलीज किया जाता है। उसके बाद टिप्स ऑफिशियल में भी ये ट्रेलर डाला जाता है, और व्यूज़ के मामले में जो यूट्यूब में व्यूज़ हैं दोस्तों, टिप्स ऑफिशियल आगे है, लेकिन SKF का ये जो ट्रेलर है ये नंबर 1 पर ट्रेंडी जा रहा है। अगर आप ट्रेंड्स वो जो यूट्यूब में आता है वो चेक करेंगे तो उसमें सबसे पहले रेस 3 का ही ट्रेलर है। 24 घंटे भी नहीं हुए हैं गाइस ट्रेलर रिलीज़ को, और ये अभी से ही ट्रेंडिंग में है। ऐसा तो टाइगर जिंदा है के साथ भी नहीं हुआ था दोस्तों, रिसेंटली ऐसा मैंने एवेंजर्स के साथ देखा था। लेकिन भाईजान के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि उनकी फिल्म का ट्रेलर विद इन कुछ ही घंटों में जो है नंबर 1 ट्रेंडिंग पर पहुँच गया, और वो भी SKF का। चलिए व्यूज़ की बात बताता हूँ, तो व्यूज़ में SKF के जो व्यूज़ आए हैं दोस्तों, 5.9 मिलियन व्यूज़ मिले हैं उसको। और वहीं टिप्स ऑफिशियल के व्यूज़ सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, टिप्स ऑफिशियल को जो व्यूज़ मिले हैं वो मिले हैं 6.3 मिलियन व्यूज़। यानी कि यहाँ पर कायदे से टिप्स को होना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, SKF नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब जो जो रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे उनका तो अलग ही कहना है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, अभी तक देखा कि नहीं बॉस, ये बताइए कमेंट सेक्शन आपका ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड फिल्मी अपडेट्स के लिए वॉच चैनल फिल्मी आरा विथ मी राहुल भोज। रेस 3।